मिठड़ी है डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे जिन्हें भी और यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे माननीय मेहमान हैं, एक जश्न डोगरा विरासत का यहाँ पर मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आम तौर पर भी लोग यहाँ पर आते हैं शाम को, यहाँ पे एंजॉय करते हैं अपनी फैमिलीज के साथ। वो बाहर के लोग हैं, वो आए, वो यहाँ आकर देखें, क्योंकि हमारा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, टूरिज्म के अंदर बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं, हेरिटेज टूरिज्म है, पिलग्रिम टूरिज्म है, जिस रूरल टूरिज्म है एंड मेनी अदर। ये जो हमारी एक मिलकर कर रहे हैं और ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि इतने अच्छे डिपार्टमेंट्स के साथ आज हमारे आर्टिस्ट को भी परफॉर्मेंस देने का मौका मिला।
होगी। और इसी के साथ अगली पेशकश है इंफोबक की तरफ से और जिसे लेकर आ रही है आरवी गुप्ता। आरवी एक छोटी सी बच्ची है जिसने बहुत ही कम समय में ये परफॉर्मेंस तैयार की है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये परफॉर्मेंस भी आपको जरूर पसंद आएगी, तो जोरदार तालियों से आरवी गुप्ता का स्वागत करें। डोगरे ओ डोगरी दा मान रखे ओ एक कर्मचारी ये सब किश छपिए दिखा करता है। फिर एक दिन राजे ते रानी की इन्हें एक खैदा पता चली गया। ते राजे ने कुंजू की सत्या ते गलाया कि जुर्म कुछ इस तरह अपना कबूल करेंगे। जरा गौर फरमाइएगा कि जुर्म कुछ इस तरह अपना कबूल करेंगे, सुनील के साथ तेरा नाम मशहूर करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले इंफोबक और जम्मू टूरिज्म की तरफ जम्मू टूरिज्म को मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मेरे ख्याल, मेरे जज्बात, मेरे लिखी हुई शायरी आपके सामने पेश करने का ये सुनहरा मौका दिया। तो मैं आपके सामने अपनी एक नज्म लिखी हुई नज्म आपके सामने पेश करूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो नज्म कुछ इस तरह है कि मैं अपने गम पे आजकल बेबसी से हंसना सीख रहा हूँ। मैं अपने गम पे आजकल बेबसी से हंसना सीख रहा हूँ। यार क्या ये बहुत बुरा नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें जाता हुआ देख रहा हूँ। पूरी उम्मीद है कि तुसे सारे जरूर इसी एंजॉय कीता होना और जन्दे जन्दे ये आखां कि आज दा जेड़ा पूरा प्रोग्राम दा जेड़ा श्रेय जांदा है टूरिज्म डिपार्टमेंट, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स और कल्चरल अकेडमी के ओदे करने करने इंफोबर्ग इन्हें सारे असी की मौका दिता। थैंक यू सो मच। ये थी आज की शाम और उम्मीद करते हैं अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। शुक्रिया। जय हिंद।